हाँ जी, सबको आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों को भी आवाज आ रही है? ऑनलाइन से है स्टूडेंट? सारा आ रही है बार। और ये स्लाइड भी नजर आ रही है? रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसा हर बार जरा काम आ रही है। चलो अभी ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलें जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 10 मिनट हमें इसी में लग गए। रैंडम एक्सेस मेमोरी हम लोग पढ़ रहे थे। अगर इससे जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ जो समझ में आई हो उससे कर सकते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? अगर कुछ याद है कल का और भूल नहीं गया, कुछ याद है क्या पढ़ा था कल या अभी जो पढ़ के आए हैं वो याद है? सो एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, सो हम लोग इसको आगे चलते हैं। हमारे पास दो तरह की रैम मेमोरीज हैं, ठीक है? एक को हम लोग कहते हैं स्टैटिक रैम और दूसरी होती है डायनेमिक रैम, ठीक है, डी रैम या एस रैम। नाउ एक बात तो ये है कि आप ये बात याद रखें कि जिस तरह की भी रैम आप लेते हैं अपने कंप्यूटर में, चाहे उसका नाम DDR है, चाहे SDR है, चाहे कुछ भी है, दे आर ऑल डायनेमिक रैम्स, इट इज नेवर एन एस रैम। सो रैम दो तरह की, एक एस रैम है और एक डी रैम है। एस रैम जो है वो आप बनाते हैं फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करके, ठीक है? सो उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? आपका फ्लिप फ्लॉप है। और एस रैम के अंदर एक बिट को स्टोर करने के लिए आपको एक फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो इसका मतलब कि अगर 1 किलो बिट्स आपने स्टोर करनी है तो आपको 1000 फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो चाहिए होंगे। अगर 1 किलो बाइट करनी है तो 8000 फ्लिप फ्लॉप्स आपको चाहिए, ठीक है? और हर फ्लिप फ्लॉप में आपको पता है 4-5 गेट्स होते हैं, हर गेट के अंदर 4-5 ट्रांजिस्टर्स होते हैं। सो इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ एरिया ऑन द चिप। सो एस रैम टेंड्स टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है? और बट दे आर ऑल्सो वेरी फास्ट। सो चूंकि ये तेज बहुत हैं और एक्सपेंसिव बहुत हैं, सो इनको हम लोग जो कैशेज होती हैं कंप्यूटर के अंदर, Level 0, Level 1 कैश, उस वो जो मेमोरी होती है वो हम एस रैम से बनाते हैं, ठीक है? सो इट्स ओनली ऑन चिप कैशेस दैट आर मेड अप ऑफ एस रैम। बाकी जितनी भी मेमोरीज हैं जो आउटसाइड ऑफ प्रोसेसर होती हैं वो डी रैम के साथ होती हैं। अच्छा, डी रैम में ये है कि हम लोग एक कैपेसिटर यूज करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए, ठीक है? और सो कैपेसिटर पे आपको पता है कि चार्ज स्टोर किया जा सकता है, ये तो बन लीजिएगा एनीवे, जहाँ पे कैपेसिटर पे चार्ज होगा वहाँ पे हम कह देंगे कि इट्स अ 1, और जहाँ पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा वहाँ पे हम कह देंगे कि 0। तो कैपेसिटर जो है इट टेक्स लेस एरिया कंपेयर टू अ फ्लिप फ्लॉप, सो यू कैन पुट मोर कैपेसिटर्स ऑन द सेम एरिया, सो यू कैन एक्चुअली हैव मोर मेमोरी ऑन द सेम चिप, ठीक है? सो डी रैम टेंड टू बी चीपर देन एस रैम, सिग्निफिकेंटली चीपर। सो चीपर नहीं, काफ़ी सस्ती होती है। लेकिन डी रैम का एक प्रॉब्लम ये है कि डी रैम पे चूंकि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर है जिसको हमने बंद किया हुआ है, तो उसको पीरियोडिकली आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। और जितने भी कैपेसिटर्स रिफ्रेश किस तरह करते हैं कि जो जो कैपेसिटर्स चार्ज होते हैं उनको दोबारा चार्ज करवाते हैं और जो डिस्चार्ज होते हैं उनको डिस्चार्ज ही करने देते हैं। तो एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स डी रैम जो है वो अपने आप को दोबारा रिफ्रेश करती है, यानी रिचार्ज करती है, और उसके बाद उस पर डेटा रहता है। अगर आप वो 2-3 मिली सेकेंड में वो रिचार्ज ना हो तो सारे कैपेसिटर्स जो है अपना चार्ज लूज कर देंगे और उसके ऊपर सब पे 0 आ जाएंगे। सो ये डी रैम का असूल है। बट हम लोग जितनी भी हमारी मेमरीज हैं वो सारी की सारी हमारी डी रैम पे हैं। नीडलेस टू से कि डी रैम भी अगर आप पावर ऑफ कर देंगे तो इट यूजेस ऑल द डेटा। एस रैम भी जब वंस यू टर्न ऑफ द पावर तो इट यूजेस ऑल द डेटा, ठीक है? तो ये हमारी दो तरह की हो गई एस रैम।
आप सुन नहीं रहे थे, कोई और बताए थे स्टैटिक रैम क्या होती है। ठीक है, और कोई डिटेल को बताने का, फास्ट एंड एक्सपेंसिव और कहाँ पे यूज होती है, सिर्फ प्रोसेसर के अंदर, कैश में, कैश में कैश मेमोरी इसीलिए कम होती है क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू डी रैम, तो कैश को जो है वो, लेकिन वो होती बहुत तेज है क्योंकि लैपटॉप कैन वर्क वेरी फास्ट कंपेयर टू डी रैम। आई नाउ अटेंडेंस तो लेट आने वाले की नहीं लगेगी, कोई बात नहीं, फिर भी आप आने चाहते हैं, आप भी आना चाहते हैं बगैर अटेंडेंस के। हेलो, आप सारे लोग इवन तो नहीं है ना, इवन तो सारे एब्सेंट है आज, ऑड वाले आए हुए हैं, ऑड रोल नंबर वाले कितने लोग हैं इस क्लास में, 2, 3, 4, 5, 6। सो जब इवन का वीक आता है तो ज्यादातर इवन वाले एब्सेंट हो जाते हैं और ऑड वाले जो है वो ऑड वाले वीक में एब्सेंट हो जाते हैं और इवन वाले में आ जाते हैं, आप दोनों में आ जाते हैं। ठीक, अच्छा तो अच्छा चलें आगे चलते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट यू आर सीइंग हियर ऑन द लेफ्ट साइड इज अ बेसिक सेल जो कि एक एस रैम के अंदर है और इसमें एक बिट स्टोर होती है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये आपका एक फ्लिप फ्लॉप है, सो दिस इज योर फ्लिप फ्लॉप, इसके ऊपर हम लोग बिट्स सेव करेंगे, नो टॉकिंग नो टॉकिंग, इस पर हम लोग अपनी जो बिट है वो बिट सेव करेंगे और ये इसकी सारी जो है कंट्रोल लॉजिक है। सो इट हैज एन इनपुट, इट हैज एन आउटपुट, इसके ऊपर एक रीड और राइट का सिग्नल है और एक सिलेक्ट की लाइन है, सेलेक्ट की लाइन इस सेल को सिलेक्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के हजारों या लाखों सेल्स होंगे मेमोरी के अंदर, तो ये तो नहीं हो सकता कि आप हर एक को इनपुट दे दें या हर सेल, जो सेल आप जिसका एड्रेस देंगे उस सेल की जो सेलेक्ट लाइन है वो हाई हो जाएगी। ठीक है, उससे ये सेल सेलेक्ट होगा, यानी कि ये सेलेक्टिव हो जाएगा और उसके बाद रीड और राइट सिग्नल है, अगर आप रीड को रीड राइट सिग्नल को बंद कर देंगे तो ये रीड करेगा डेटा और अगर राइट को और उसको जीरो कर देंगे तो ये इसमें डेटा राइट हो जाएगा। राइट कहाँ से होगा, इस इनपुट के थ्रू, सो इस इनपुट पे जो भी आप डेटा देंगे वो राइट के ऊपर इस फ्लिप फ्लॉप में जाके स्टोर हो जाएगा। जब आपने रीड करना होगा तो ये जो क्यू आउटपुट है यहाँ से आप डेटा इस एंड गेट के थ्रू अपना आउटपुट देंगे। So as you can see के to store one bit you need 1, 2, 3, 4, 5 gates, तो ये बाहर चाहिए आपको, और अगर ऐसा flip flop है या कोई भी है तो 2 या 4 gates आपको कम से कम उसके अंदर चाहिए, तो तकरीबन कोई 8 या 9 gates जो है उससे उस पर एक bit जो है वो सेव हो गया। इसका सिंबल ये बेसिक सेल है कि आपका इनपुट सेलेक्ट लाइन आउटपुट और रीड और राइट सिग्नल। ठीक है, सो दिस इज फॉर द अच्छा, आप लोगों को ये गेट्स समझने की, ये गेट्स क्या कर रहे हैं? देखिए, हम इसको इस तरह से देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम रीड को बंद करें, अच्छा भैया ये पता नहीं माउस भी खराब है, पॉइंटर भी नहीं चल रहा, मैं क्या करूं? ऑलराइट, सो इफ यू मेक द रीड वन, ऑलराइट, तो आप ये देखें कि क्या होगा, रीड वन होगा तो ये इन्वर्टर के बाद यहाँ पे आ जाएगा जीरो। ठीक है, जैसे यहाँ पे जीरो आएगा इसका मतलब है ये गेट भी ऑफ हो जाएगा और ये गेट भी ऑफ हो जाएगा, क्योंकि एंड गेट की अगर एक इनपुट जीरो हो जाए तो वो फिर आउटपुट वो जीरो होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी डेटा जो है वो प्रोपगेट नहीं करेगा फ्लिप फ्लॉप के अंदर। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप में जो भी डेटा है सिर्फ वही आउटपुट के ऊपर आपके अपीयर होगा, आपने इनपुट को फैक्टर किया रीड करते हैं बिकॉज यू डोंट वांट टू राइट एनी डेटा व्हाइल यू आर रीडिंग। ठीक है, इसी तरह से जब आप राइट को यानी कि इसको जीरो में करूंगा तो ये मैं राइट सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट का मतलब है कि ये इन्वर्टर आप बंद देगा,
बंद देगा तो ये दोनों गेट्स जो हैं ये एक्टिव हो गए हैं। इसका ये मतलब है कि मैं जो भी इनपुट दूंगा वो इस गेट के थ्रू एस और आर में आ जाएगी, ठीक है, और ये फ्लिप फ्लॉप को 1 या 0 जो भी इनपुट होगी उसके हिसाब से सेट या रीसेट कर देगा। क्योंकि आर एस में हमेशा आपने इन्वर्ट करके देना होता है, कभी भी आप फ्लिप फ्लॉप को सेम इनपुट नहीं देते आर एस फ्लिप फ्लॉप, अगर आपको याद हो, या आप 1-0 देते हैं या 0-1 देते हैं, अगर आप उसको सेम इनपुट दे दें तो वो उसका इलीगल एक कॉम्बिनेशन लग जाता है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू इन्वर्ट इट। अच्छा, दूसरे अगर आप सिलेक्ट लाइन को देखें तो सिलेक्ट लाइन जो है वो यहाँ पे भी जा रही है और यहाँ पे भी जा रही है, तो दैट मीन्स के सिलेक्ट लाइन को जब मैं 0 कर दूंगा तो ये गेट डिसेबल हो जाएगा, इसकी आउटपुट हमेशा 0 ही रहेगी। सो दैट मीन्स के जब तक सिलेक्ट 0 रहेगा इसकी कोई आउटपुट नहीं आएगी, जब मैं सिलेक्ट को 1 करूंगा तो फिर इसकी आउटपुट आएगी डिपेंडिंग ऑन कि क्यू पे क्या है, क्यू पे 1 है तो 1 आ जाएगी और क्यू पे 0 है तो 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी पूरी लॉजिक है इस उसके लिए, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। अब हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, अगर हमने एक्चुअली रैम बनानी हो तो हम लोग रैम किस तरह से बना सकते हैं। नाउ अच्छा, ये एग्जांपल है 4x3 रैम। 4x3 रैम जो है क्या मतलब है कि इसमें 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी कि एट एनी गिवन टाइम मैं 3 बिट्स इकट्ठे या रीड करता हूँ या राइट करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी वो 3 बिट्स है और इस तरह से करके मेरी 4 रोज है, तो इनमें से कोई एक रो मैं सिलेक्ट करूंगा और उस रो के ऊपर जो भी 3 बिट्स होंगी वो मेरी आउटपुट पे आ जाएंगी। तो ये मेरा बेसिक सेल है, ठीक है, इसके अंदर एक एक बिट स्टोर्ड है, और इसकी जो सिलेक्ट लाइंस हैं अगर आप देखें इस सेल की सिलेक्ट लाइंस वर्ड 0 पे हैं, ये वर्ड 1, वर्ड 2 और वर्ड 3, और ये सिलेक्ट लाइंस कहां से आ रही है, एक 2x4 डिकोडर से। सो यहां पे मैं एड्रेस दूंगा, सो मैं अगर मसलन एड्रेस देता हूँ 00 पे डिकोडर की D0 आउटपुट जो है वो हाई हो जाती है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, जब डी और बाकी सारी लो रहती हैं, सो इसका मतलब है कि 00 के ऊपर ये सारे सिलेक्ट लाइन 0 होंगी, तो इनमें से नीचे जितनी आपकी रोज हैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, और ये जो ऊपर वाली रो है वर्ड 0 वाली ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब आपके ये सारे सेल सिलेक्ट हो गए, फिर डिपेंड करता है कि आप उसको रीड या राइट का सिग्नल दे रहे हैं, अगर आप उसको रीड का सिग्नल दे रहे हैं तो वो डेटा अपना आउटपुट पे, ये देखिए ये आउटपुट है और ये एक और गेट में जा रही है, इसकी भी आउटपुट एक और गेट में जा रही है, इसकी भी और गेट में जा रही है, तो ये आउटपुट इसकी इस और गेट के थ्रू होते हुए यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। इस और गेट की बाकी इनपुट्स क्या है, बाकी रोज की। सो ये पहला जो और गेट है, ये जो पहला कॉलम है इसकी सारी आउटपुट्स इसके थ्रू आ रही है, ठीक है, दूसरे और गेट की सारी उधर से आ रही है, तीसरा कॉलम, तो हर कॉलम के लिए हमने एक और गेट बनाया है, और उस और गेट की उतनी इनपुट्स ही हैं जितनी के आपके पास रोज हैं, तो 4 रोज हैं तो 4 इनपुट हैं, अगर 4000 रोज होती तो 4000 इनपुट्स होते इस और गेट के बेसिकली, और सो यहाँ पे आप अपना डेटा जो है वो रीड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने डेटा लिखवाना हो हाँ, अगर आपने डेटा लिखवाना हो तो ये आपकी डेटा इनपुट्स हैं, यहाँ पे आप अपना डेटा अप्लाई करेंगे, नीचे राइट का सिग्नल असर्ट करेंगे और यहाँ से एड्रेस देंगे, तो जो जो रो आपने एक्टिव की होगी उसके ऊपर वो डेटा जो है वो डायरेक्टली लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये है मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली ये जो बेसिक सेल्स जो हमने 3 दिखाए हैं ये मेमोरी के अंदर 8 होते हैं, क्योंकि एक बाइट आपने स्टोर की हुई होती है एक लोकेशन के ऊपर, ठीक है, तो 8 हिस्से से होते हैं और इससे 4 नहीं होते, ऑब्वियसली अगर 4 किलो बाइट है तो 4000 रोज होंगी, अगर 4 मेगा बाइट है तो 4 मिलियन रोज इस तरह के होंगी, 4 गीगा बाइट है तो 4 अरब रोज इस पूरे उसकी बनती है, ठीक है। जो डी रैम है उसकी भी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल यही है, यानी कि उसका बेसिक सर्किट यही है, सिर्फ जो बेसिक सेल है वहां पे जो बेसिक सेल है उसमें बजाय इसके फ्लिप फ्लॉप हो एक कैपेसिटर होता है, लेकिन ओवरऑल इट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक दिस, जैसा कि सिर्फ उसमें एक अलग सर्किट भी होता है
जो उसको रिफ्रेश भी करता है हर कुछ देर के बाद, लेकिन अदर देन दैट बेसिकली मेमोरी इस तरह से ऑर्गेनाइज है। तो ये डिकोडर्स जो हैं ये काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी चूंकि चार रोज हैं तो आपका डिकोडर 2x4 का है, 4000 रोज होती है तो ऑब्वियसली वो जितना भी होता है 12x4000 होता, अगर 4 बिलियन होती तो वो 20x मिलियन होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इनका साइज जो है वो बड़ा होता जाता है, लेकिन बेसिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, क्लियर? कुछ ना समझ आया उसमें तो? सो दिस इज योर मेमोरी डी रैम, बेसिक डी रैम। अच्छा, सो इन अरे ऑफ रैम चिप्स, मेमोरी चिप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म लार्जर मेमोरी। सो वो ये कह रहा है कि आप नॉर्मली कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर बहुत सारी चिप्स कट्टी लगा के कंबाइन करके एक बड़ी मेमोरी भी बना सकते हैं, यानी जरूरी नहीं कि एक ही चिप हो। और ये आपने देखा होगा कि आप जब वो खरीदते हैं कंप्यूटर की उसको अपग्रेड करने के लिए, तो वो जो पूरा सिम कार्ड होता है उसके ऊपर बहुत सारी चिप्स लगी हुई होती हैं, तो वो सारी चिप्स जो हैं वो कंबाइन होकर उनके अंदर हम डेटा सेव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये अब उसने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे 1K/8-bit RAM chip, ठीक है 1K/8-bit। सो 8 bits इसकी इस तरह है, यानी हॉरिजॉन्टली और 1K वर्टिकली है, तो ये एक्चुअली एक 1 KB की RAM है। ठीक है, तो 1 KB की अगर आपकी RAM होगी तो उसकी आउटपुट डेटा लाइंस 8 होंगी, क्योंकि बाइट आप जो है 8 bits इकट्ठे एक दफा में रीड करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से उसकी इनपुट डेटा लाइंस भी 8 होंगी, क्योंकि आप उस पर एक बाइट ही एक वक्त के अंदर लिखाएंगे, तो 8 लाइंस सिग्नल लाइंस होंगी जिससे डेटा जो है वो उसमें राइट होगा और 8 का ही रीड होगा। उसके बाद आपकी जो है एड्रेस लाइंस वो 10 है। 10 क्यों है? 10 इसलिए है क्योंकि ये 1K रोज है, 1024 है, तो 2^10 अगर मैं करूँ तो उसके जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो 1024 है। ठीक है, राइट? सो आई नीड 10 मिनिमम ऑफ 10 एड्रेस लाइंस सो दैट आई कैन एड्रेस 1024 रोज। ठीक है, तो ये 10 एड्रेस लाइंस एक्चुअली कहाँ जा रही हैं? ये एक डिकोडर में जा रही हैं। तो वो डिकोडर है जिसकी इनपुट पे 10 लाइंस है और उसकी आउटपुट के ऊपर 1024 आउटपुट्स हैं, और हर लाइन 8 बिट्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो जो भी आप एड्रेस देते हैं उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर लाइन को वो एक्टिव कर देता है, और उस लाइन के ऊपर जो डेटा 8 बिट्स होती हैं वो आउटपुट के ऊपर अपीयर हो जाती है। चिप सिलेक्ट, ये वही सिलेक्ट लाइन है, यानी कि ये इस चिप को एक्टिव करेगी, यानी CS को जब आप 1 करेंगे तो ये वाली चिप एक्टिव होगी, जब CS0 होगा तो ये चिप एक्टिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारी चिप से मिला के एक मेमोरी बनानी है, तो हो सकता है डेटा इसमें ना हो दूसरी चिप के अंदर हो, तो चिप सिलेक्ट लाइन जो है वो अप्रोप्रिएट चिप को पहले सेलेक्ट करेगा उस पूरे मॉड्यूल में या कार्ड में, और उसके बाद उस चिप से आप डेटा रीड करेंगे। जी, एड्रेस जो है नहीं, चिप पहले आपने एक चिप सेलेक्ट करनी है, चिप जब आपने सेलेक्ट कर ली तो उससे भी आपका मसला तो हल ही हुआ ना, क्योंकि उसके अंदर भी तो 1 KB है, उसमें से 1 बाइट आपने रीड करनी है, उस 1 बाइट का एड्रेस तो आपको चाहिए ना। सबसे पहले चिप सेलेक्ट होगा, ठीक है, चिप सेलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद एड्रेस आएगा, एड्रेस हो जाएगा, उसके बाद होगा कि इसको रीड करना है या राइट करना है। ठीक है, फिर रीड राइट सेलेक्ट होगा, रीड करें, रीड को जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आउटपुट पे थोड़ी देर के बाद जो एड्रेस आपने दिया होगा उसका डेटा आ जाएगा, और अगर आपने राइट करना होगा तो जैसे ही आप राइट करेंगे आप इनपुट लाइन्स पे कोई डेटा अप्लाई कर देंगे, जब आप अप्लाई करेंगे जैसे ही राइट का बटन आप दबाएंगे वो डेटा उसके अंदर जाकर राइट हो जाएगा, यानी वो फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएंगे या कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये है हमारी एक चिप। अब ये देखें, उसको आगे उसने एक एग्जांपल दी एक सिस्टम की जिसके अंदर उसने ये 1K/8 की, यानी ये 1 KB की एक चिप थी ना, तो उसने 4 चिप्स यहाँ पे कंबाइन की हैं। ठीक है,
और इसको बना दिया है 4 किलोबाइट की मेमोरी। 4 किलोबाइट की मेमोरी किस तरह से बनाया है? अब इन सब की डेटा लाइंस कॉमन है, 8 डेटा लाइंस है, सबके साथ कनेक्टेड है। आउटपुट चारों चिप्स की इकट्ठी पैरेलल में 8 आउटपुट की कॉमन है, ठीक है। और इसमें उसने ये किया कि उसने कहा कि ठीक है, मैं अब मुझे जो टोटल एड्रेस चाहिए ना वो हो गया है 12 बिट्स का, क्योंकि 4 किलोबाइट है ना, 1 के लिए 10 थी तो 2 के लिए 11 है, 4 के लिए 12 है, 12 बिट्स का अब एड्रेस मुझे जनरेट करना है। उस 12 बिट के एड्रेस को हम 2 पोर्शंस में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो उसकी एड्रेस लाइंस है ना 11 और 10, ठीक है, वो एक डिकोडर में जा रही है और वो उससे हम एक इनमें से चिप सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अब 4 चिप्स हो गई है ना, तो 2 लाइन से हम अप्रोप्रिएट चिप को सिलेक्ट करते हैं और जो बाकी लाइन्स हैं 10 0 से लेके 9 तक, उससे उस चिप के अंदर जो बाइट है उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन के एड्रेस जो है वो किस तरह से, अब हमने डिवाइड कर दिया एड्रेस को 200 में, एक अप्रोप्रिएट चिप और दूसरी उसके बाद उस चिप के अंदर अप्रोप्रिएट बाइट, उसको वो सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से फिर जब ये गीगाबाइट्स में जाती है मेमोरी, तो ऑब्वियसली आपकी एड्रेस लाइंस बढ़ जाती हैं, नंबर ऑफ आईसीज भी बढ़ जाती हैं, आईसी का अपना साइज भी बढ़ जाता है, एंड सो ऑन। एक जमाने में मेमोरी जो थी वो इतनी एक्सपेंसिव होती थी कि वो आपने पता ही तस्वीरें देखी है नहीं देखी कि 1 किलोबाइट की जो हार्ड ड्राइव होती थी वो कोई इस कमरे जितनी बड़ी होती थी, और वो इतनी सी जगह है जिसके ऊपर वो बनते हैं और उसके ऊपर आपका सारा डेटा। और आप यूएसबी भी देख लें, नॉर्मल यूएसबी 4GB 16 32 GB तो यूएसबी के अंदर है और 300-400 रुपए की यूएसबी है, तो पहले यही मेमोरी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपको पड़नी थी। अगर 50 साल पहले भी आप चले जाएं तो ये जो यूएसबी जो 400 रुपए की है ना, ये 50 साल पहले अगर आप खरीदते तो ये शायद 1.5 करोड़ रुपए की होती। बनती थी लेकिन करोड़ों रुपए। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि बिल गेट्स जो था ना, जब उसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया 1978 की बात है, 1978 की, तो उस जमाने में कंप्यूटर्स जो होते थे ना वो सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी ना उनके पास हो सकते थे। कोई आम आदमी कंप्यूटर के बारे में सोच भी नहीं सकता था कि उसके पास कोई कंप्यूटर होगा, या एक आम ऑर्गेनाइजेशन के पास भी नहीं हो सकता था, क्योंकि कंप्यूटर की कीमत उतनी होती थी जितनी एक समय में जहाज की कीमत है। तो वो बहुत ऑयल एंड गैस की जो कंपनी है उन्होंने कंप्यूटर रखा हुआ है, तो ये इस तरह से गवर्नमेंट के इदारे थे, डिफेंस के इदारे उस तरह से। तो जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया और सारा कुछ किया, तो बहुत सारे लोगों ने उसको ये भी कहा कि देखो यार, ये तुम ये काम कर रहे हो, कंप्यूटर कौन सा ऐसी चीज़ है कि हर बंदा खरीदेगा, तो व्हाई यू स्टार्टिंग अ कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तुमसे कौन सॉफ्टवेयर खरीदेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो किसी के पास होता ही नहीं है, तो इससे बेहतर है कि तुम पढ़ाई कर लो अपना हार्वर्ड में, अपनी डिग्री कम्प्लीट करो वो करो। तो उसने उस वक्त उसकी मतलब एक जो बड़ी मशहूर कोटेशन है, उसने कहा था कि इट इज माई विजन दैट वन डे देर विल बी अ कंप्यूटर इन एवरी होम एंड इन एवरी ऑफिस ऑफ अमेरिका। उस वक्त लोगों ने कहा कि यार ये बंदा बिल्कुल पागल है, तो यानी ये इस तरह की स्टेटमेंट थी 1978 में, जिस तरह से कि आज कोई कहे कि जी मेरा विजन ये है कि पाकिस्तान के हर घर में एक जहाज खड़ा होगा और लोग हर बंदे का जाती जहाज होगा और जहाज छोड़ के जाएगा, जहाज छोड़ के जाएगा, तो आप यही कहेंगे कि आज ये बंदा पागल हो गया। और फिर वो एक कंपनी भी बना ले जो कहे कि मैं जहाज ही बनाऊंगा इस कंपनी के, और ये जो जहाज है ये हर बंदा इसको इस्तेमाल करेगा। सो ही मेड दिस प्रेडिक्शन एंड विद इन 20 इयर्स देयर वाज अ कंप्यूटर इन एवरी होम। इसके बाद है जहाज, तो ये जो है तो ये अच्छा दूसरी अच्छा
अच्छा एक चीज और भी मैं आपको बताता हूँ, 1970s में या 78-80 तक, बल्कि 81 तक ये होता था कि जो सॉफ्टवेयर होता था ना वो फ्री होता था, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट कि सॉफ्टवेयर के कोई बंदा पैसे देगा, नहीं लाइसेंस और नो लाइसेंस, मतलब उसको मुफ्त ही समझा जाता था सॉफ्टवेयर, क्योंकि आप सिर्फ हार्डवेयर खरीदते थे, यू वुड ओनली बाय अ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर कंपनी फ्री में देती थी, चाहे आपने IBM का कंप्यूटर खरीदा क्योंकि असल कीमत कंप्यूटर खरीदती थी, तो सॉफ्टवेयर के लिए कोई बंदा पैसे नहीं देता था, मतलब देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ लाइसेंस, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपीराइट और एनीथिंग, सो सॉफ्टवेयर जो था उसको समझा जाता था कि ये मुफ्त आपको साथ मिलता है, जिस तरह से आप हलवा पूरी खाने जाए तो पूरी के पैसे होते हैं ना, चने आपको मुफ्त मिलते हैं, तो सॉफ्टवेयर जो था ना उसको ये चने समझा जाता था कि ये तो मुफ्त है, तो सो द अदर थिंग वॉज के जब ये सॉफ्टवेयर कंपनीज बनी है, स्पेशली जब माइक्रोसॉफ्ट बनी है, तो दूसरा इशू ये था कि नोबडी विल पे फॉर इट, क्योंकि लोगों को ये चीज है कि सॉफ्टवेयर तो मुफ्त होना चाहिए, तो ये अलग पैराडाइम शिफ्ट था कि उसके बाद बिल गेट्स के आने के बाद ये हुआ कि उसने बताया कि नहीं जी सॉफ्टवेयर जो बंदा लिख रहा है उसको भी पैसे देने होंगे और सॉफ्टवेयर की भी एक कीमत है, सॉफ्टवेयर ये नहीं है कि क्योंकि वो कोई हार्डवेयर वाली चीज़ तो नहीं है ना, सॉफ्टवेयर तो आपने कागज पर भी लिख लिया है, वो तो लोग कहते थे कि ये तो फ्री है, ये इसकी हम कीमत क्यों नहीं, ये तो एक लिखी हुई एक चीज़ है, इसको तो मुफ्त है, हार्डवेयर तो चलो ये एक चीज़ है, इसमें लकड़ी लगी है उसकी कीमत है, उसकी कीमत है, तो सॉफ्टवेयर की क्या कीमत है, एक बंदे लिखा तो ठीक है लिखा, तो उस वक्त सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस कोई फील्ड नहीं होती थी, क्योंकि नोबडी विल पे यू फॉर राइटिंग दैट कोड, फिर आहिस्ता 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 ये चीज चेंज हुई और अब एक्चुअली हार्डवेयर सस्ता होता है और सॉफ्टवेयर के असल में पैसे होते हैं, हम तो खैर चोरी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं अल्लाह के फजल से हर जगह, लेकिन वैसे ये है कि यू पे फॉर द सॉफ्टवेयर नॉट फॉर द हार्डवेयर, लेकिन आज से 50 साल पहले ये भी कॉन्सेप्ट था, तो आपकी ये जो पूरी फील्ड है ये यानी इसलिए इतनी नई है क्योंकि ये सारे नए कॉन्सेप्ट हैं, ठीक। चलें जी, ये एक हमारा किस्सा खत्म हुआ, ओके, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक, क्या हुआ आपने भी परेशान होती है काउंटर पे, ये इंक्लूडेड है ये काउंटर है, अच्छा सो चलो यार स्टॉप टॉकिंग, किसी का कोई कमेंट है तो वो दे सकता है, वो ऊंची दे, अगर सिर्फ गप्पे मारनी है तो वो बंद कर, आप क्यों यार इससे लड़ रहे हैं, क्या हुआ आपको, ये भी नहीं पता समझते कैंट पे कि पढ़ा जाहिर खान साहब पढ़ा, आपको पता था ये बात, अच्छा आप सीनियर है इसलिए वो आप पास हो गए थे किस स्पीड में, चलो शुक्र, अच्छा ओके सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है कोर्स का, इसके ऊपर हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, अगले वीक हम लोग इंशाल्लाह रिवीजन करेंगे और बाकी जो आपके क्वेश्चंस हो, सो काउंटर्स देख लेते हैं कि काउंटर क्या होता है, सो काउंटर्स आर सर्किट्स दैट साइकिल थ्रू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी एक ऐसा सर्किट है जिसकी स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं 0 1 2 3 4 फिर 0 1 2 3 4, सो वो स्टेट्स जो हैं वो दो भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 20 लाख भी हो सकती हैं, सो काउंटर्स जो हैं वो काउंट कर सकते हैं किसी भी नंबर तक, ठीक है, और उसके बाद देन दे रिपीट द साइकिल, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ काउंटर्स, वन इज कॉल्ड द सिंक्रोनस काउंटर या इसको हम पैरेलल काउंटर कहते हैं और दूसरा है एसिंक्रोनस या रिपल काउंटर, ये हम दोनों अभी स्टडी कर लेंगे कि ये दोनों क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। Ripple counters allow some flip-flop outputs to be used as a source of clock for other flip-flops. Synchronous counters apply the same clock to all flip-flops. इसको भी थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, पहले हम देखते हैं काउंटर है क्या। अच्छा
अच्छा एसिंक्रोनस काउंटर्स द फ्लिप फ्लॉप्स डू नॉट चेंज स्टेट्स एट एग्जैक्टली द सेम टाइम एज दे डू नॉट हैव अ कॉमन क्लॉक पल्स. यानी ये इस तरह के काउंटर्स होंगे जिसमें फ्लिप फ्लॉप जो है ना उसकी जो क्लॉक है वो कॉमन नहीं होती, उसका उसकी क्लॉक सिग्नल एक और फ्लिप फ्लॉप से आ रही होगी. ठीक है, सो इनकी स्टेट्स जो हैं ये डिफरेंट टाइम्स पे चेंज होगी. सिंक्रोनस काउंटर में तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को एक ही क्लॉक दी गई होगी और वो सारों की स्टेट इकट्ठी चेंज होगी. इसको अब हम एक एग्जांपल से कर लेते हैं. तो लेट्स लुक एट अ वेरी सिंपल काउंटर विच इज कॉल्ड एसिंक्रोनस रिपल काउंटर, 2-bit रिपल बाइनरी काउंटर. अच्छा, इसका अगर आप सर्किट देखें तो ये इसमें दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, फ्लिप फ्लॉप 0 और फ्लिप फ्लॉप 1. और जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसको हमने क्लॉक दिया, ठीक है, लेकिन जो हमारा दूसरा फ्लिप फ्लॉप है उसको हमने इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो है वो इसकी क्लॉक के तौर पे यूज हो रही है. यार आप हंस रहे हैं, आप बताएं कि आप जो के हमें भी बताएं, हम भी हंसते हैं ताकि थोड़ा सा चले. क्या हुआ, ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आप आगे आके बैठ. चलो ठीक है यार, क्या कह रहे हैं, बड़े हो जाओ बच्चे ना. अच्छा, सो आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द क्लॉक इनपुट ऑफ द नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट फ्लिप फ्लॉप. तो यहाँ पे पहली क्लॉक है और फिर इसकी आउटपुट इसकी क्लॉक में कनेक्टेड है. ये दोनों जेके फ्लिप फ्लॉप्स हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप दोनों इनपुट्स टाइड है. इसका मतलब है कि या दोनों पे जे और के को मैं या वन देता हूँ या मैं जीरो देता हूँ, दोनों को करता हूँ. नाउ डू यू रिमेम्बर कि अगर जे के को मैं वन वन दे दूँ तो वो क्या करता है? जे के पे जब वन और वन हो तो वो टॉगल करता है, वो टॉगल करता है. और जब उस पे जीरो हो दोनों पे तो वो क्या करता है? नो चेंज, स्टेट को रिटेन करता है. सो इसका ये मतलब होगा कि ये जो हाई का सिग्नल यहाँ पे है इस काउंटर के अंदर, इसको जब मैं वन करता हूँ तो ये टॉगल करना शुरू कर देते हैं. वन होता है तो जीरो, जीरो होता है, यानी हर क्लॉक पल्स के ऊपर. ठीक है. अच्छा, अब आप ये देखें कि ये क्लॉक आ रही है इस काउंटर पे, इसका क्यू जो है ये टॉगल करना शुरू कर देगा हर दफा जब क्लॉक की हाई पल्स आएगी. सो अगर मैं क्लॉक को यूं रखूं राइजिंग एज के ऊपर, ये क्लॉक है, ये इसकी राइजिंग एजेस हैं 1, 2, 3, 4. ओके, एंड इफ आई लुक एट क्यू, क्यू नॉट बार, इफ आई लुक एट क्यू नॉट बार, तो क्यू नॉट बार अगर पहले 1 था तो जब राइजिंग एज आएगी तो वो टॉगल होके 0 पे चला जाएगा. नेक्स्ट राइजिंग एज जब आएगी तो वो टॉगल होके 1 पे चला जाएगा. फिर नेक्स्ट राइजिंग एज आएगी वो टॉगल होके 0 पे चला जाएगा. ठीक है. सो जो अगर आप क्यू बार को देखें तो क्यू बार पे एक क्यू नॉट बार के ऊपर ये एक स्क्वायर वेव बन जाएगी. स्क्वायर वेव की खास बात क्या है, ये हाफ है इसकी स्पीड कंपेयर टू द क्लॉक. यानी जहाँ पे क्लॉक का एक पूरा साइकिल आता है इसका आधा साइकिल आता है, इसकी हाफ हो गई है ना स्पीड. ये भी एक स्क्वायर वेव है बट इट इज एट हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक. अच्छा, उसके बाद अगर मैं क्यू नॉट को देखूं तो वो तो खैर इसके ऑपोजिट ही है, लेकिन ये किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है तो क्यू नॉट तो इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट, सो इट डजंट मैटर. क्यू नॉट ये हो गया. अच्छा, अब मैं अगर क्यू वन को देखूं ना, क्यू वन जो है इसकी क्लॉक क्या है? इसकी क्लॉक है क्यू नॉट. ठीक है, तो ये Q1 टॉगल करेगा ऑन एवरी राइजिंग एज ऑफ Q0. ऐसे क्या? यानी क्यों जनाब सीनियर साहब? नहीं सही है, क्या सही है, क्या कहा मैंने बताए, कुछ पता नहीं. अगले साल भी तेरी बैठना
अच्छा ये देखेंगे Q नॉट है, Q नॉट इज एक्टिंग एज क्लॉक फॉर द सेकंड फ्लिप फ्लॉप राइट. सो जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है अगर मैंने Q1 की आउटपुट ड्रॉ करनी है तो Q1 की आउटपुट किस तरह ड्रॉ होगी कि Q1 जो है अगर वो पहले जीरो था तो जब Q नॉट की राइजिंग आ जाएगी, क्लॉक की नहीं Q नॉट की राइजिंग आ जाएगी, तो वो टॉगल करेगा और वो वन पे चला जाएगा. उसके बाद वो वन ही रहेगा टिल Q नॉट की अगली राइजिंग आ जाती है ठीक है, और अगली राइजिंग एज तक वो वन रहेगा और उसके बाद वो फिर टॉगल कर जाएगा और जीरो कर जाएगा ठीक. ओके सो अब क्या हुआ है अगर मैं क्यू वन को देखूं तो क्यू वन की अप स्पीड या फ्रीक्वेंसी क्यू नॉट से आधी हो गई है, ऐसे ही है ना, यानी जहां पे क्यू नॉट के दो साइकिल्स थे अब इसका सिर्फ एक साइकिल रह गया. सो क्लॉक अगर 100 मेगाहर्ट्ज़ पे थी तो क्यू नॉट 50 मेगाहर्ट्ज़ पे चला गया और क्यू वन जो है वो 25 मेगाहर्ट्ज़ पे चला गया. ओके सो एक तो ये है कि ये सॉर्ट ऑफ क्लॉक को डिवाइड कर रहा है बाय टू, एक तो ये चीज है. दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग सिर्फ क्यू जीरो और क्यू वन को देखें, आउटपुट्स हम यहाँ से लें, तो हमारी पहली आउटपुट है जीरो जीरो, फिर है वन जीरो, फिर है जीरो वन, फिर है वन वन और फिर है जीरो जीरो. सो इसका मतलब ये इस तरह का काउंटर बन गया है जो इस तरह से चल रहा है कि ये आउटपुट पे देता है जीरो जीरो, फिर जीरो वन, फिर वन जीरो, फिर वन वन और फिर ये रिपीट करता है जीरो जीरो. तो इसकी चार स्टेट है एंड जस्ट गोइंग थ्रू दोस. और इसकी स्पीड क्या है, स्पीड इसकी जिस तरह से जो जो क्लॉक आपने दी हुई है, लेकिन साथ साथ हमें ये फ्रीक्वेंसी डिवाइड करके दी है. तो ये दो काम करता है, इट्स अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर एंड इट इज ऑल्सो अ काउंटर जो कि काउंट करता है जीरो जीरो से लेके थ्री तक और फिर ये वापस जीरो पे चला जाता है और ये बस इस तरह से चलता जाएगा जब तक कि आप इसके इस सिग्नल को हाई रखेंगे. जब इस सिग्नल को लो कर देंगे तो ये रुक जाएगा यहाँ पे ठीक. जी क्लियर बात है. अच्छा सो अगेन एन एसिंक्रोनस रिपल काउंटर है, ये थ्री बिट बाइनरी काउंटर. थ्री बिट बाइनरी काउंटर जो है इसके अंदर भी आप देखें कि हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तीन है. ओके क्लॉक जो है वो हमने पहले फ्लिप फ्लॉप को दी है, दूसरे को फिर इसकी आउटपुट दी है. इस क्लॉक जो है वो इसकी आउटपुट से चल रही है और फिर इसकी आउटपुट से ये तीसरी क्लॉक चल रही है. जे और के टाइड टुगेदर है, सिग्नल को जब हम हाई करेंगे तो ये टॉगल करना शुरू कर देंगे क्लॉक के ऊपर. सो ऑब्वियसली नाउ यू कैन प्रिडिक्ट कि इसकी आउटपुट किस तरह से चलेगी, क्योंकि पहली ये हमारी क्लॉक है, क्यू जीरो जो है वो हाफ हाफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक पे चला जाएगा, क्यू वन उससे हाफ पे हो जाएगा और क्यू टू उससे हाफ पे चला जाएगा ठीक है. और अगर मैं इन तीनों आउटपुट्स को देखूँ तो ये जीरो जीरो वन सॉरी जीरो 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 फिर जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो और ये एंड पे ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वन 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 और उसके बाद ये फिर हो जाएगा जीरो जीरो जीरो. तो ये आठ तक गिनती करेगा और फिर ये साइकिल करने के बाद ये हाँ जी नहीं, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए, हमने काउंटर बनाया है ना, तो काउंटर की जो रेलेवेंट आउटपुट्स जो हमें चाहिए वो Q0 और Q1 है. Q0 को तो हम एज अ क्लॉक सिग्नल यूज कर रहे हैं. यहाँ पे भी जो हम फाइनल आउटपुट्स जहां से ले रहे हैं वो Q0, Q1 और Q2 है ठीक है, ये मिला के हमें कॉम्बिनेशन देते हैं 000 100 एंड सो ऑन. वो टू का था ये ठीक है, टू फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो उसकी चार स्टेट्स भी हो सकती हैं, तीन फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो उनकी आठ स्टेट्स जो हैं वो कंबाइन हो सकती हैं ठीक है. चले आप लोग 5 मिनट की ब्रेक ले लें फिर हम कंटिन्यू करते हैं. आप हुए यार वॉशरूम के जा Thank you.
तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर बस पढ़ाओ हाँ पढ़ाना है जो है ना पढ़ाना बिल्कुल मैं ये जो है ना मैंने डिजाइन किए हैं एयर कंडीशनर जो डायरेक्ट सोलर के ऊपर तो मैं इंशाल्लाह अगले साल को लॉन्च हाँ पहले ही चल रहे हैं सब बना हुआ है सब कुछ अब सिर्फ उनकी मार्केटिंग और वो और बड़े सस्ते में मुफ्त में जो है ना आपको सारा दिन इस तरह की बुलंद देता हाँ ये तो गलती हो गई थी मैं वापस आ गया वो असल में देखो कहते हैं कि जी अच्छा टीचर को करना है तो कुछ और नहीं कर सकता तो वो टीचर कर जाता है आई डोंट लाइक दिस तो इसलिए मैं कर सकता हूँ तो मैं भी क्यों पढ़ाऊँ फिर मैं काम करूँ सर फिर आपने उसके कन्वर्टर जो यूज किए होंगे वो एसी मतलब उसके अंदर सेट किए हुए हैं बाहर अलग नहीं वो एसी के साथ ही सेट हुए हैं और एक्चुअली नहीं वो इतना भी सीक्रेट नहीं है मैं वो सारे एक्सपेंसिव कर देना आप कह रहे थे सस्ते होंगे नहीं वो ज़्यादा खराब भी हो जाएंगे सोलर वाले तो पहले ही बस सोलर पावर से चलेगा पावर से चलेगा मैं सर जी खराब होने का खतरा होगा और वो जैसे ही बदल होंगे वो तभी बंद हो जाएंगे मतलब वो कंट्रोलर जो होगा वो खराब नहीं हो जाएगा नहीं वो एसी की जो कूलिंग है ना उसको कम कर देगा जब बादल आएंगे या कोई इस तरह का मसला होगा ना मैं एक्चुअली ठहर के वो एसी में देख रहा हूं और सर ये इनोवेटिव आइडिया है या फिर कोई और भी है तो ये सभी से बस ये वो एसी की आप वो मैं इसका से मैं रखा मैंने कि ये अब वो सोलर पे चल रहा है ये कमरे का टेम्परेचर है 21.7 ये उसकी आउटपुट है यानी जो हवा उसमें से आ रही है वो 12.9 डिग्री सेंटीग्रेड की है सुबह 9 बजे 45% की बनी थी तो ये इस तरह से करके सारा वो है तो वो मैंने अपने घर पर लगाए में सारा दिन वो कूलिंग करते रहते हैं या बस देखो बंदे को ऑनेस्ट होना चाहिए जो वो काम कर रहा हूँ अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ऑनेस्टली पढ़ाना चाहिए अगर मैं कोई और काम कर रहा हूँ तो मुझे वो करना चाहिए ये तो नहीं कि आदमी मैं इधर क्लास पढ़ाऊँ आधा वक्त में बात फिर रहा हूँ आपका भी हर्ज होगा यूनिवर्सिटी का भी हर्ज होगा इससे बेहतर है कि आदमी काम करे बाकी ये कि रिस्क अलग है आदमी का चलना होगा तो चल जाएगा नहीं चलना होगा तो कोई बात नहीं और जो बंदा एक खोखा खोल के बैठा हुआ है अल्लाह उसको भी तो रिस्क दे रहा है कहते हैं प्रॉफिट ग्राहक से पूछे जो रिस्क करता है ठीक है सर अल्लाह कामयाब बिल्कुल तो ये बिल्ला कपड़े की दुकान खोल के बैठता है मेरा ख्याल है मुझसे ज्यादा तो वो कमा रहा है ऐसे ऐसे ही है तो ये जरूरी तो नहीं है कि आपने अगर एक चीज कर ली है तो बस आप वही किए जाए वही किए जाए आप मैं तो हर बंदे को ये कहता हूँ कि आप जरूरी नहीं कि हर बंदा एक प्रोग्रामर ही बनता है अगर आप में किसी और चीज का टैलेंट है आपको कोई और चीज पसंद है आप वो करें ठीक है आप एक आपने डिग्री ले ली उससे आपका जेल खुल गया आपको यूनिवर्सिटी का पता लग गया आपकी एक एजुकेशन हो गई क्या आप एक एजुकेटेड पर्सन बन गए अब उसके बाद जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल वही काम करें अगर आपको लगता है कि आपका इसमें दिमाग नहीं चलता आप नहीं है और आप कोई और अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप वो करें एजुकेशन तो आपके काम आएगी कहीं ना कहीं जब पढ़ा लिखा आदमी कोई काम स्टार्ट करता है तो उसका वैसे ही एक तरीका कार और होता है जहल आदमी जब करता है तो वो बिल्कुल और तरह करता है नहीं नहीं बस अब कुछ नहीं तो इसकी एक्सरसाइज में सब क्या आप इसकी बस स्लाइड्स कर लें बस इसकी सिर्फ स्लाइड्स कर लें
आप पकड़ाए ना चीज के सर इतना तो मैंने कर दिया तो मैं आपको आगे कोई नंबर दे बिल्कुल खाली छोड़ के गलत सलत चीजें लिखे थे मैं उसके ऊपर क्या नंबर कुछ तो करे ना तो फिर मैं भी कहूंगी यार चलो 20 बंदे ने देखो 70% तो ठीक किया था तो दो नंबर मैं और इसको 40 गया था नहीं 40 नहीं ठीक है आज फ्लिप फ्लॉप तो अच्छी तरह करे ठीक है तो फिर मेरा ख्याल है ये वाला पेपर भी आपका मैंने आपको आइडिया दिया कि हां सबमिट भी कर दिए सब कुछ बस अब वही उसके हिसाब से ना फिर फ्लॉप अच्छा देखो मैंने आपको बता दिया 20 नंबर फ्लिप फ्लॉप के सवाल है ठीक है फ्लिप फ्लॉप्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए अगर वो आपका सिंक्रोनस लॉजिक ठीक है 20 नंबर आपके मांग रहे हैं ठीक है 5-6 नंबर का शुरू के पहले चैप्टर के हैं वो आपको जरा थोड़ा सा बुद्धि लॉजिक और ये उस टाइप की चीजें आप करें और फिर बाकी सारा मिक्स और वो के मैप वगैरह रैम सर है वो चौथा चैप्टर सेकंड रजिस्टर में आया के मैप कुछ पेपर मैं नहीं बता रहा है ऐसे आज तक जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये आ सकते हैं हो सकता है ये आया हो पिछले महीने में आया था ये क्या नहीं ये सर क्या इतना कोई खास नहीं रैम की मतलब इतनी ज्यादा सर गेट है यहाँ से देखना पड़ता है यहाँ से इन्वर्टर या यहाँ इस गेट से निकल गए तो फिर थोड़ी सी जो उलझा ना कहीं बोले दोबारा फिर से चलो दोबारा आप जब सॉफ्टवेयर डेवलपर को 5 साल हो जाते हैं ना तो उसकी 4 लाख रुपए क्यों देते हैं आपको क्योंकि आप ये सर खपा सकते हैं अगर आपने भी ऐसे ही काम करना है या मजदूर ने करना है तो फिर आपको तो मजदूर वाला ही 20,000 रुपए मिलेगा ना ये तो बस है सर लेकिन अटेंशन टू डिटेल ये चीज है सॉफ्टवेयर डेवलपर की तो आपको होता है ना कोलन कॉमा भी आप ऊपर नीचे करते हैं आपका प्रोग्राम खराब हो जाता है ऐसे ही इसको लेके आपने ना सबसे बड़ी आपकी क्वालिटी ये है कि आप अटेंशन टू डिटेल किसी भी चीज को आप ओवरलुक और बाकी अगर नहीं होता तो कुछ और दूसरी दफा देंगे तो ना आप मेरा नाम याद रखें एक नाम उतना लंबा मतलब जैसे हर बिजनेस में फास्ट इनकम लगती है इस तरह अगर आप इसे बिजनेस ले रहे हैं तो मोनेटाइज हुआ ले रहे हैं
इस तरह अच्छा खासा टाइम लग जाता है, 4000 घंटे सब्सक्राइबर वगैरह। तो कोई बात नहीं यार, फिर कौन देखता था घर पहले, अगर हाँ तो कोई देखेगा नहीं 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 सर नहीं होता है, ये होता है आपको व्यू टाइम नहीं से मिलता, व्यू टाइम नहीं से मिलता, और वो डिपेंड है आप ले किस से रहे हैं चैनल। एक बात बता दूं, ऐसे जो तो आपने वो मतलब एक डायरेक्ट सोलर वाला प्लांट पे तो चलना सका, तो आपने उसी एसी में ऐड किया है कंट्रोलर कन्वर्टर जो इसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन एक सिस्टम ये भी है कि वो उसके कंप्रेसर को स्टोर या फेस करता है उसके लोड के हिसाब से। अब ये अगर बादल आ गए तो वो फिर भी चलता रहेगा, वो तो ट्रिप हो जाएगा ना, तो उसके पूरे हम स्पीड को उसको या जितना इन्वर्टर ऐसे करता है ना उस तरह से करते थे, ये पूरा सिस्टम है। तो वो इससे बड़ा हो गया होगा क्या चीज, मतलब वेटेज में, क्योंकि कन्वर्टर भी उसके साथ है, मामू के पास है तो वो तो काफी लेंथी है, मतलब मैंने सोलर प्लेट से वो चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, पानी भरी नहीं होती, तो वो उसके साथ एक वीएमडी ड्राइव होती है जो वेरिएबल फीचर से ड्राइव, तो तकरीबन हां समझ गए, वो तो नहीं लेकिन उससे भी की जाता है। ठीक है सर, आप बात करते हैं इंशाल्लाह, सर अगर आप जल्दी से जल्दी करना, ये ना होगा फिर कोई और करना, सब नहीं कर पाते और करने वाला होता जल्दी कर चुका, पंखा बंद करिए, हेलो पंखा बंद करिए, हाँ ये देखो ये पंखी किसने चलाई है, इसका रिमोट, हाँ ये कर बस ठीक है, हो गया इसके बाद रिमोट तक ही, अच्छा ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। 3-bit रिपल बाइनरी काउंटर, तो ये हमने कर लिया है, इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई चीज ना समझ आएगी तो आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग इधर ही हैं या चले गए हैं? इधर ही हैं, इधर ही हैं। चलिए वेरी गुड, कितने लोग हैं सर? ये तो नहीं पता, आप तो हैं कम से कम एक, है ना? यार फिर ऑन कर, इसको बंद करिए यार जी, चल अच्छा ओके, सो अगेन ये वही चीज है, इसलिए इसको हम फर्दर इसके ऊपर अपना टाइम नहीं लगाएंगे, ये 4-bit काउंटर है, ठीक है, 4-flip फ्लॉप्स है, तो खैर समझिए ये कि आपने कभी भी काउंटर कोई बनाना हो तो आप इस तरह से फ्लिप फ्लॉप्स को कनेक्ट करके तो यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ काउंटर, 4 flip फ्लॉप्स करेंगे तो 16 तक ये काउंट 16 तक करेगा। अगर आप हाँ हो सकता है, मैं आपको कहूँ कि एक 4-bit ट्रिपल कैरी काउंटर का सर्किट बनाए विद इट्स टाइमिंग डायग्राम। अच्छा काउंटर्स की कोई एप्लीकेशन आप लोग बता सकते हैं, कहीं पे कहाँ पे आप काउंटर को यूज करना चाहेंगे या यूज हो सकता है फॉर दैट मैटर? कैलकुलेटर में काफी यूज होगा, कैलकुलेटर में किस तरह वहां पे काउंटर तो नहीं चाहिए होगा आपको सर, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के जो पैकेज में हार्डवेयर डिजाइनिंग होता है लैपटॉप के, हां वहां पे कैलकुलेटर को जब यूज करते हैं तो उसमें पैकेज के नहीं, काउंटर क्या करता है सर? सीपीयू में जो नहीं यार, और कोई मिसाल सर ये लाइट्स में यूज हो सकता है जो मतलब करंट चले जाने के बाद भी 3-4 सेकंड तक चलते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब आहिस्ता आहिस्ता में चार्ज करने वहाँ पे अपने काउंटर का क्या करना है?
अच्छा आप प्रोग्राम काउंटर की बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल सही है। सीपीयू के अंदर देखें सबसे पहले ये कि आप जब आप एक प्रोग्राम लिख लेते हैं ठीक है सॉफ्टवेयर के अंदर उसके बाद वो असेंबली में कन्वर्ट हो जाता है। असेंबली में कन्वर्ट होता है तो उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं मसलन 100 लाइंस का कोड है ठीक है। तो जब आप उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सीपीयू के अंदर एक काउंटर लगा हुआ होता है। वो काउंटर स्टार्ट होता है जीरो से। जीरो एड्रेस जो होता है वो पहली जो आपकी इंस्ट्रक्शन होती है उसका एड्रेस होता है ठीक है ना। फिर वो काउंटर वन पे चला जाता है तो वन का एड्रेस मेमोरी को जाता है ठीक है। तो वन से वो सेकेंड इंस्ट्रक्शन ले लेता है। फिर वो काउंटर टू पे जाता है तो टू का एड्रेस मेमोरी को जाता है तो वो मेमोरी से। सो अगर आपने मेमोरी को ही रीड करना है और मेमोरी में 100 लोकेशन है ठीक है और आपको पता है कि आपका डेटा या प्रोग्राम सीरियली पड़ा हुआ है कि पहली लोकेशन पे पहली इंस्ट्रक्शन है दूसरी लोकेशन पे दूसरी है तो आप ये नहीं करते कि आप सारे एड्रेस इंडिविजुअली करें। आप एक काउंटर चला देते हैं। काउंटर जीरो से स्टार्ट होता है और जहां तक आपका प्रोग्राम पड़ा हुआ होता है वो काउंटर वहां तक चलता है और वन बाय वन वो एड्रेस जनरेट करता है और वन बाय वन वो इंस्ट्रक्शन जो है मेमोरी से सीपीयू के अंदर आना शुरू होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो एप्लीकेशन ये है। इसको हम प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। तो ये सीपीयू के अंदर होता है और आपके सारे जो प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन ही इसका होती है कि वो वन बाय वन इंस्ट्रक्शन लेके आता है मेमोरी से। इसी तरह से अगर आपने डेटा लिखवाना है मतलब 6000 बाइट्स आपने लिखवानी है तो आप कहीं से एक स्टार्टिंग एड्रेस दे देंगे काउंटर को कि ये मेरा स्टार्टिंग एड्रेस है। जैसा अरे होता है कि आप एक बेस एड्रेस दे देते हैं उसके बाद आप ऑफसेट देते हैं तो वो जो ऑफसेट है वो काउंटर जो है वो चलता है और वो उसको पूरा कर देता है ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम काउंटर यूज करते हैं। अगेन दूसरी जी उस जमाने में जो प्रोग्राम लिखा जाता था वो उस वक्त फ्लॉपी नहीं होती थी 5 कार्ड्स होते थे। यानी आपके पास एक टर्मिनल होता था आप उसके ऊपर कोड लिखते थे और वो ना एक प्रिंटेड टाइप चीज होती थी जैसा गत्ते का कार्ड होता है ना तो वो गत्ते के कार्ड के ऊपर सुराख कर देते सुराख होता था वो वन था जहाँ पे सुराख नहीं था वहाँ पे जीरो होता था तो वो कार्ड के ऊपर वो पूरा एक वन जीरो का पैटर्न बन जाता था गत्ते के कार्ड पे। उसको स्टैक वो पूरा आप वो गत्ते लेके ना वो इतना बड़ा एक स्टैक बन जाता था। उसके बाद वो कंप्यूटर में वो लोड कर देते थे और वो एक एक उठाता था गत्ता उसको रीड करता था और उसको वो एग्जीक्यूट करता था फिर वो अगला करता था। तो इस तरह से करके वो पंच कार्ड सिस्टम होते थे। फिर बाद में जब फ्लॉपीज बन गई तो फिर ये सॉफ्टवेयर जो था फ्लॉपी पे आना शुरू हो गया था। फिर अब तो हजार और चीजें बट लेकिन हाँ सिर्फ फर्मवेयर नहीं था आप यू वुड एक्चुअली प्रोग्राम और आप ये पंच कार्ड के थ्रू जाते थे। बड़ा मुश्किल काम था ये सारा ये क्योंकि देखिए वो आपने पंच कार्ड्स बना लिए अब आपका कोई बग है या आपने उनको चेंज करना है तो कितना लंबा काम है वो फिर उस कार्ड को निकालो फिर नया कार्ड डालो उसको दोबारा पंच करो सारे कार्ड को तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। आप वैसे किसी वक्त ऑफिस आ जाए मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन यानी यूट्यूब वीडियो भी तो नहीं डालना नहीं आप पूछे कि फर्मवेयर कैसे लिखा जाता है यार देखिए कुछ मेमोरी जो भी प्रोसेसर होता है ना वो कुछ मेमोरी ऐसी एलोकेट कर देता है जो कि कोई यूजर के लिए एक्सेसिबल नहीं होती ठीक है। उसको ना यूजर किसी प्रोग्राम के थ्रू ना किसी और तरह से एक्सेस कर सकता है वहां पे आप जाके ये सेव करते हैं। और जहां तक फर्मवेयर का ताल्लुक है फर्मवेयर तो एक परमानेंट मेमोरी जैसा फ्लैश मेमोरी होती है उसके अंदर होता है कि वो इरेज नहीं होता। जब आप पावर चली जाती है
तो उसमें वो फिर उसको रीड करता है तो वो परमानेंटली लिखा हुआ है, तो वो एक अलग चिप होती है जो कि यूएसबी की तरह की लगी हुई है, उसको हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लैश। तो वो फ्लैश की चिप होती है, उसको जब एक दफा प्रोग्राम कर देते हैं तो वो फिर उसमें डेटा डिलीट नहीं होता। तो सबसे पहले जो प्रोसेसर होता है वो फ्लैश को रीड करता है, वहां से उसको सारे पैरामीटर्स हार्डवेयर के पता लगते हैं और फिर वो आगे जाके करता है। तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रैम, वो परमानेंटली आप उसको राइट कर सकते हैं, लेकिन वो रीराइटेबल होती है। तो अब फ्लैश आ गई है जो कि यानी कि आप उसको राइट और रीड इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। उससे पहले जो कंप्यूटर्स थे उसके अंदर एक मेमोरी होती थी, आपने नाम सुना है नहीं, ईप्रॉम उसको हम लोग कहते थे, ईप्रॉम का नाम सुना, इलेक्ट्रिकली रीडेबल प्रोग्राम, ठीक है। तो उसमें ये होता था कि उसको आप प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन जब आपने उसको डिलीट करना होता था तो आपने निकाल के ना उसके ऊपर यूवी लाइट आप शाइन करते हैं तो फिर वो डिलीट हो जाती थी। लेकिन अब इस तरह की चिप्स आ गई हैं कि उनको आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ही डिलीट कर सकते हैं, आप निकाल नहीं सकते। हाँ, चलिए, तो बारह ऑलराइट, इसको अभी हम डाउन काउंटर रहे कि बिल्कुल वही चीज है, ऐसे भी होता चलता है, एसिंक्रोनस डाउन काउंटर, सो दिस इज फाइन। आगे हम देख लेते हैं और हमें क्या पढ़ना है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं सिंक्रोनस या पैरेलल काउंटर्स के ऊपर। सिंक्रोनस पैरेलल काउंटर्स, द फ्लिप फ्लॉप्स आर क्लॉक्ड एट द सेम टाइम बाय अ कॉमन क्लॉक पल्स, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं एसिंक्रोनस, उसमें क्या था कि पहले फ्लिप फ्लॉप को आप क्लॉक दे रहे हैं लेकिन फिर बाकियों की जो क्लॉक है वो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है, ठीक है। लेकिन सिंक्रोनस के अंदर हम सारे जितने भी माइक फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उनको क्लॉक हम एक ही देंगे, ओके। So we can design these counters using sequential logic design process. Two-bit synchronous binary counter using T flip-flops with identical JK inputs. So अगर आपने 2-bit synchronous binary counter बनाना है, कोई भी flip-flop use करके, for example T या JK या कुछ भी, तो वो आप किस तरह बनाएंगे? तो उसका वही design process होगा जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है। ये 2-bit है, तो ये काउंट किस तरह करेगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 00, नेक्स्ट स्टेट 01, अगली स्टेट 10, अगली स्टेट 11, और फिर ये वापस इसके ऊपर जा जाएगा। तो इसकी स्टेट डायग्राम आप इसी तरह बनाएंगे। इसकी कोई इनपुट नहीं है, काउंटर की कोई इनपुट नहीं होती, यानी काउंटर जो है बस वो चलता जाता है क्लॉक के हिसाब से। तो इसकी प्रेजेंट स्टेट है 00, प्रेजेंट स्टेट 00, नेक्स्ट स्टेट 01, ठीक है। फिर प्रेजेंट स्टेट अगर 01 है तो 10, 10 है तो 11, और 11 है तो 00। और ये उसने कहा है कि मैं फ्लिप फ्लॉप टी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो फिर आप खुद ही देख सकते हैं कि अच्छा, अगर मेरी प्रेजेंट स्टेट 0 है और मेरी नेक्स्ट स्टेट भी 0 है तो टी को क्या होना चाहिए? ए के केस में 0 ही होना चाहिए। और अगर मेरी प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 1 है तो टी ए को इनपुट को 1 होना चाहिए, क्योंकि वो टॉगल करेगा। So you can define these, ये आपकी T A की बन गई, ये A1 और ये A0 की। Once you have this, तो उसके बाद आप इसके equations बना सकते हैं। T A1 जो है that is equal to A0, T A0 is equal to 1। ये क्या किया इसका? अच्छा हाँ, ठीक है। ये देखिए ना, ये तो कंटिन्यूसली ये मानी है, तो इसलिए इसको तो बस हम मानी लिख देंगे। और टी ए वन को अगर मैं देखूं तो ये वन कब होता है? ये वन तब होता है जब ए नॉट वन होता है। यहाँ पे ये वन है और यहाँ पे ये वन है, यहाँ पे भी ए नॉट वन है। तो ए नॉट जब भी वन होता है तो ये वन हो जाता है। तो टी ए नॉट, टी ए वन इज इक्वल टू ए नॉट। ये आपने सर्किट बना लिया, क्लॉक इनकी कॉमन है और ये आपकी A0 और A1, ये आपके आउटपुट, ये आपका बन गया सिंक्रोनस काउंटर। तो इस तरह से भी आप कोई भी काउंटर बना सकते हैं। अगेन, ये 3-bit सिंक्रोनस काउंटर है,
और ये उसने टी फ्लिप फ्लॉप से ही बनाए। 3-bit है तो जाहिर है इसकी 8 स्टेट्स हैं। सो प्रेजेंट स्टेट 000, नेक्स्ट स्टेट इज 001 और 3 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे तो आप उनकी इनपुट्स डिफाइन करेंगे उसी तरह से। फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, TA2 क्या बनता है, TA1 क्या बनता है और TA0 क्या बनता है डिपेंडिंग ऑन A0 A1 इन तीन के हिसाब से। ये आप कर लें तो ये आपकी इक्वेशंस बन गई और उसके बाद आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं एंड ये आपका 3-bit का काउंटर बन गया 6-bit के साथ। ठीक, जेके नहीं, वो जेके असल में ना जेके फ्लिप फ्लॉप को उसने टी बनाया है क्योंकि आप देखें जेके को उसने टाई किया हुआ टुगेदर, तो जेके के दोनों इनपुट्स को जब हम टाई कर देते हैं तो वो एक्चुअली टी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, तो ये एक्चुअली टी है। ठीक है, देखिए ना ये भी टाइड है, ये भी टाइड है, ये भी टाइड है, सो दैट मीन्स इट्स अ टी फ्लिप फ्लॉप, इट्स नॉट अ जेके फ्लिप फ्लॉप। चलिए बस मेरे ख्याल काफी हो गया। ठीक है, और मैं देखता हूँ कुछ अगर है तो क्या बस कर दें। ठीक है, दैट्स इट। सो एंड ऑफ कोर्स कितने लोगों ने पास होना है, कितने लोगों ने फेल होना है? क्लास के हालात बहुत खराब है, वो तो मुझे जो आप लोग असाइनमेंट कर रहे हैं उसी से पता लग गया। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ ना, आप लोग बैठे रहे सारे, ये अच्छा हुआ। ऑनलाइन वाले अगर आप लोग जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, छुट्टी के बाद इसकी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। है जब मैं भी आपको एक सवाल देता हूं, नहीं अभी आप लोगों ने क्या करना है, अभी तो हमारा 3:30 बजे क्लास खत्म होनी है, अभी 25 मिनट सुबह 8:30 से क्या करना है? यार मैं तो जब बात फिर रहा होता हूँ आप सब लोग बारी फिर रहे होते हैं 8:30 से, आप क्या, मैं सबको देख रहा हूँ पूरा दिन से, कोई कोई फिर रहा है, कोई कहीं फिर रहा है, आपको तो मैं 6 बजे कर दिया। ठीक है, एक सवाल कर लें उसके बाद चलते हैं। ठीक है, मुझे जरा एक सेकंड, ये मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। नहीं बंद,